15 देखिए क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल इफ द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर। चलिए मैं यहाँ पर ये रेडियस ले लेता हूँ, या फिर पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ये आपका एक सर्कल हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका एक रेडियस ले लेते हैं, ये आपका इसका रेडियस ले लिए, ठीक है, इस रेडियस का लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका इसका सेंटर हो गया। अच्छा, और इस आर्क का हमें लेंथ निकालना है, इसका नाम देते हैं ए बी, और ये इसका लेंथ है एल, हम लोग ऐसा मान लेते हैं। इसी एल का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना है, जबकि कह रहा है कि इस आर्क का जो कोण होगा ना, यही ना होगा, इसका भी लेंथ आपका 30 सेंटीमीटर ही है, तो ये 30 हुआ, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल ना हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल बी एल, ये एल हमने दिया है। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं कि रेडियस जो है, रेडियस इसमें ये कितना है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि ओ ए और ओ बी ये दोनों रेडियस हैं, वो 30 सेंटीमीटर है, और कोड ए बी जो है ये भी आपका 30 सेंटीमीटर है। देयरफोर ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो हमें पता है कि इसका इच एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू में 60 डिग्री, यानी इसे हम लोग थीटा ऐसा सपोज कर लेते हैं, ठीक है, थीटा हो गया 60 डिग्री। अच्छा, और रेडियस हमारे पास है ही 30 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ आर्क हम लोग जानते हैं फॉर्मूला थीटा इक्वल टू होता है एल बाई आर, यानी कि एल इक्वल टू में हो जाएगा आर इंटू में थीटा, तो एल इक्वल टू में आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, और थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री में है, तो पाई बाई 180 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, ये पाई बाई 3 से इसे कर देंगे 10 टाइम में, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर, समझ गए, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क हो गया, लेंथ ऑफ आर्क इस सर्कल का क्या हो गया, 10 पाई सेंटीमीटर, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखिए।